दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले नेपाल क्रिकेट टीम के हांगकांग सुपर सिक्सेस में शानदार परफॉर्मेंस के लिए एक लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जहां इस वीडियो का लाइक टारगेट है 400 लाइक्स। गाइस, आज हांगकांग सिक्सेस 2024 का थर्ड क्वार्टर फाइनल मैच नेपाल वर्सेस श्रीलंका के बीच खेला गया, जहां ये बेहद ही रोमांचक और हाई स्कोरिंग थ्रिलर मैच था। अगर नेपाल वर्सेस श्रीलंका के इस क्वार्टर फाइनल मैच की पूरी हाइलाइट्स की बात करें तो नेपाल ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला लिया। पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका ने अपने 6 ओवर्स में बनाए शानदार 123 रन 2 विकेट के नुकसान पर, जहां श्रीलंका के सभी बल्लेबाजों की शानदार बैटिंग देखने को मिली। अगर श्रीलंका के पूरे स्कोर कार्ड की बात करें तो वीरा कोडी ने 14 गेंदों पर 50 रन बनाए, डबारे ने 9 गेंदों पर 18 रन बनाए, मधुशंका ने 8 गेंदों पर 31 रन बनाए, वहीं समरकून ने 5 गेंदों पर 22 रन बनाए। अगर नेपाल के बॉलिंग कार्ड की बात करें तो प्रतीश जीसी ने 29 रन देकर 1 विकेट लिया, वहीं नारायण जोशी ने भी 28 रन देकर 1 विकेट हासिल किया, जहां अब नेपाल को इस मैच को जीतने के लिए 124 रनों की जरूरत थी 6 ओवर्स में। 124 रनों का पीछा करने उतरी नेपाल के लिए ओपनिंग करने आए संदीप जोरा और लोकेश बाम, जहां तीसरी ही बॉल पर लोकेश बाम 6 रनों पर बोल्ड हो गए। इसके बाद संदीप जोरा का साथ देने आए राशिद खान, जहां पहले ओवर के बाद नेपाल का स्कोर था 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर कैप्टन संदीप जोरा गोल्डन डक पर बोल्ड हो गए, जहां राशिद खान का साथ देने आए विवेक यादव, वहीं दूसरे ओवर की आखिरी बॉल पर विवेक यादव भी 5 रनों पर बोल्ड हो गए। नेपाल का स्कोर 18 रन 3 विकेट के नुकसान पर 2 ओवर्स के बाद। 3 विकेट गिरने के बाद राशिद खान का साथ देने आए नारायण जोशी, और तीसरे ओवर से नारायण जोशी और राशिद खान ने 4 सिक्स लगाए, जहां तीसरे ओवर से आए 30 रन 3 ओवर के बाद नेपाल का स्कोर था 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर, जहां ये मैच अब पूरी तरह रोमांचक बन चुका था।